हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का मेनली 6 चैप्टर पढ़ा, जिसमें था प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। मतलब थ्रू आउट द चैप्टर, इवन थ्रू आउट द बुक, ऑथर यही बात कह रहे हैं कि मतलब अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना है, तो सबसे बेस्ट जो स्टेट है वो थोड़ा रिलैक्स्ड और ड्राउजी स्लीपी थोड़ी स्टेट में हम जब जाएंगे, तब हम एक्चुअली में अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल पाएंगे। एक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमारा माइंड सारा दिन किस तरह के थॉट्स में रहता है, 40% जो थॉट्स हमारे होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, मतलब जो हुआ नहीं और जो होगा भी या नहीं पता नहीं, बट हम सोचते रहते हैं। और 30% पास्ट से रिलेटेड होते हैं, 22% रहते हैं कि व्हाट पीपल विल से अबाउट मी, और सिर्फ 8% होते हैं जो जरूरी है सर्वाइवल के लिए, बॉडीली मैटर से रिलेटेड। मतलब इस तरह से हम देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ये शो कर रहा है कि हमारे कितने सारी एनर्जी यूं ही चली जाती है। पर अगर हम इस तरह से पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को समझे, अपने माइंड का नीचे समझे, तो हम इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में मेरे 4 टेक्निक्स बताई गई हैं। वैसे तो सब टेक्निक्स का एक ही सार है कि पॉजिटिव सोचो, पर कुछ डायरेक्शन हमें इन सब चारों मेथड से मिल जाएगी। जैसे पहला मेथड है मेंटल मूवी मेथड, मतलब कि एक हम ऐसी विजुअलाइज करके एक मूवी बना लें। सबसे पहले तो हर एक मेथड में हमें ये क्लियर हो कि हम एक्चुअली में चाहते क्या है, क्योंकि कई बार इतना व्यस्त हम रहते हैं कि यही हम नहीं सोच पाते कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करें कि चाहिए क्या, और फिर उसको उसकी एक मेंटल मूवी हम अपने माइंड में प्रिपेयर करें। जैसे ऑथर ने इन सभी मेथड्स में रियल लाइफ इंसिडेंट को कोट किया है कि कैसे, एक एग्जांपल यानी कि एक इंसिडेंट उन्होंने कोट किया कि एक पर्सन की जो पोस्टिंग है वो किसी डिफिकल्ट टेरेन में आ जाती है, तो वो चाहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं अच्छी जगह आ जाए जहां वो और अच्छे से लोगों को सर्व कर पाए। तो किस तरह से वो रात को सोने से पहले एक मेंटल मूवी मतलब टाइप में क्रिएट करता है, और कुछ दिन बाद वो एक्चुअली में हो जाता है। तो 2 बातें, मतलब कि एक क्लैरिटी से, जरूरी नहीं है पहला ही दिन हमारी जो मूवी है वो क्लियर बन जाए, धीरे धीरे वो इवॉल्व होगी, बट एक बार हमें पता हो कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। दूसरा मेथड है बाउडीन मेथड, मतलब ये चाइनीज किसी फिलोसफर का मेथड है। तो ये कहते हैं कि कंडेंस द आइडिया, मतलब जो भी एक्चुअली में चाहिए उसको छोटे से फ्रेज में कन्वर्ट कर लो। जैसे ऑथर ने कोट किया एक इंसिडेंट, लॉस एंजेलिस की एक वुमेन थी, वो किसी बिटर फैमिली लो सूट में मतलब फंसी हुई थी। तो वो ऐसे ही मतलब ड्राउजी स्टेट में जाती है और अपने माइंड में ये एफर्मेशन देती है एक तरह से कि वो जो लो सूट है वो अच्छे से फिनिश हो गया, इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। तो इस तरह से, और वो हो जाता है। और थर्ड मेथड है थैंक यू मेथड, मतलब वैसे तो धन्यवाद शब्द में ही बहुत सुकून है, क्यों पॉजिटिविटी भरी है अगर हम इसे मतलब उतनी भावनाओं के साथ यूज करें। तो ऐसे ही जो इंसिडेंट ऑथर ने कोट किया है कि एक पर्सन थोड़ा फाइनेंशियली डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा होता है, तो वो ऐसे अफर्मेशन लेता है कि थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ, तो धीरे धीरे उसकी सिचुएशन भी सुधरने लग जाते है। तो ऑथर रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के हमें एक तरह से ये परजुएड या कन्विंस कराना चाह रहे हैं कि हाँ ये सच में होता है। और सबसे लास्ट मेथड है ब्लूप्रिंट मेथड, मतलब इसमें जैसे कि हम घर भी बनाते हैं, तो अपना जो भी मैप हम तैयार करते हैं वो बहुत ध्यान से तैयार करते हैं, और जो भी मटेरियल उसमें लगाते हैं वो इंश्योर करते हैं कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का हो। तो ऐसे भी हमारा एक मेंटल होम है, मतलब हमारा भी एक मेंटल होम है, तो उसमें हम बहुत केयरफुली अब जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स लगा रहे हैं पीस हार्मनी जॉय के,
वो मतलब बहुत चुन चुन के लगाएं, क्योंकि जो भी हम एक्सपीरियंस करेंगे वो फिर उन्हीं के बेसिस पे करेंगे। तो अगर सार में अपने शब्दों को समेटें तो सबसे पहले तो क्लियर हो कि हमें चाहिए क्या, और फिर किसी भी एक टेक्निक को हम यूज करें और उसे पालें। तो 3 शब्दों में जो बुक का सार है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। थैंक यू। वेरी गुड, परफेक्ट, वंडरफुल। सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही सिस्टमेटिक नोट्स बना के भी। और सभी को कैसा लगा बता सकते हैं, बाकी सभी भी, और कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है इस प्रेजेंटेशन पे तो बता सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? काफ़ी अच्छे से किया दीदी ने, अच्छे से मतलब वेल प्लान करके एक चीज़ें समझाई तो समझ में आया कि कैसे सारी चीज़ें हम वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक और यू। इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ कि खुद को, कि एक बार हम भी खुद ये चैप्टर पढ़े। जिस तरह दीदी ने लास्ट में 4 मेथड्स बताए, तो लग रहा है कि रिवीजन हो जाए हमारी एक बार पढ़ के।